हे गाइस वेलकम बैक इन अ न्यू ब्लॉग। तो गाइस फाइनली आपके रिक्वेस्ट पे हम लोग उड़ाने जा रहे हैं फिर से पतंग। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये रहा अपना पतंग जो कि डोरेमोन का है। और फाइनली हम लोग फिर से पतंग उड़ाने जा रहे हैं। पिछले साल हम लोग ने उड़ाया था बट हम लोग को उड़ाने नहीं आता गाइस। ठीक है, तो इस साल हम लोग उड़ाए ही नहीं बट बहुत सारे कमेंट्स आए कि भाई इस साल फिर उड़ाओ, फिर से देख रहे हैं मुझे तुमको उड़ाते हुए कि तुम्हें आया है कि नहीं। तो फाइनली इस साल हम लोग फिर से ट्राई करने वाले हैं पतंग उड़ाने का। और ये है हमारा पुराना पतंग, आप लोग देख सकते हो, बट इससे हम लोग ट्राई नहीं करने वाले। हम लोग ट्राई करने वाले हैं गाइज इस अभी न्यू पतंग खरीद के लाया है डोरेमोन का है जो कि, और अभी इसको टाई अप करना है। तो सारा कुछ अभी करते हैं और उड़ाते हैं। ठीक है, शाम के अभी 4:30 बज चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, 4:39 4:40 हो गए। ठीक है, तो गाइज चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया गया है स्टोरी स्क्रीन पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो गाइज मेरे साथ है नमन, आप लोग देख सकते हो, जो कि अभी ट्राईपोड ओपन कर रहा है। ठीक है, इसी पे हम लोग वीडियो शूट करेंगे और अब पतंग को जल्दी से टाई अप करते हैं और टाई अप करने के बाद उड़ाते हैं। और गाइज हम लोग को ये पतंग काफ़ी मुश्किल से मिला है। ठीक है, मतलब हम लोग इन्हें तीसरे दुकान से ये बाय किया है, दो दुकान में पतंग अवेलेबल ही नहीं था। तीसरे दुकान में गया तो ये लास्ट पतंग था डोरेमोन का जो कि हम लोगों ने बाय किया है। ठीक है, और इसको अब जल्दी से टाई अप करते हैं, टाई अप करने के बाद उड़ाते हैं, छाती पर उड़ाएंगे। ठीक है, आई होप डैट कि उड़ ही जाए, यहाँ पे पिछले साल की तरह पोपट ना हो, लेकिन हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि इस बार उड़ा ही लें। तो जल्दी से इसको चलिए टाई अप करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं उड़ा कर डायरेक्ट। तो चलिए इसको जल्दी से टाई अप करते हैं। तो गाइस फाइनली अब टाई अप करने के लिए बैठ गए हैं, आप लोग देख सकते हो ये रहा अपना पतंग और ये रहा पेन पेंसिल जिससे हम लोग इसमें छेद करेंगे, ये रहा धागा और ये रहा सीजर। तो इसको जल्दी से टाई अप करते हैं, उसके बाद फिर उड़ाते हैं। हवा काफ़ी मस्त चल रहा है छत पर। ठीक है, जल्दी से टाई अप करते हैं। तो गाइज हम लोग अपना पतंग को टाई अप कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। नमन बस ऊपर वाला है, उसको बांधना है, बस बांध लिया। तो देख सकते हो पतंग फाइनली अपना टाई अप हो गया। हम लोग टाई अप कर लेते हैं, बस हम लोग से उड़ता नहीं है। ठीक है, तो आज शायद से उड़ जाए क्योंकि हवा काफ़ी मस्त चल रहा है छत पर। तो कोशिश करेंगे कि इस बार उड़ा ही लें। तो टाई अप हो गया, चलिए अब उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो गाइज फाइनली अब उड़ाने जा रहे हैं, देख सकते हो ये रहा धागा और ये रहा पतंग, और फाइनली अब हम लोग का फर्स्ट ट्राई होने जा रहा है। तो गाइस काफ़ी हद तक हम लोगों ने उड़ा लिया था, मतलब ऊपर चला गया था पतंग। ठीक है, बट ऊपर जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली गिर गया। तो अभी कोशिश करते हैं, अभी और कोशिश करें कि उड़ी जाए। ठीक है, हम लोग का हो सकता है थोड़ा टाई अप में प्रॉब्लम हो, नहीं तो देख लेते एक बार फिर से, एक बार और ट्राई करेंगे। सकता हमारे टाई अप में प्रॉब्लम होगा, तो नमन देख रहा है थोड़ा टाई अप इसका पतंग का। ठीक है, और देख लो हम लोग ने धागा का किस तरह से जुगाड़ किया है, यहाँ पर देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली ढील देते रहेगा। ठीक है, बट ये धागा खींच नहीं पाएगा, बस ये ढील दे पाएगा। ठीक है, तो तीसरे बंदे की कमी के कारण ये करना पड़ रहा है। ठीक है, बट मैं यार गाँव में देखता हूँ या फिर अगल बगल में देखता हूँ, यार अकेले बंदे ने मिल के क्या मस्त पतंग उड़ा लेते हैं, अकेला एक बंदा मिलके आराम से पतंग मस्त उड़ा लेता है। बट यहाँ हम लोग दो हैं तब हम लोग से नहीं उड़ रहा है और तीसरे की कमी लग रही है। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग के साथ सीन बन रहा है, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे उड़ाना। हम लोगों ने किसी से पूछा था पतंग उड़ाने के लिए, तो उन्होंने बताया था कुछ इस तरह से करना, और देख सकते हो यार हवा कितना मस्त चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कोशिश करके उड़ाने की। तो इस बार फिर से अच्छा से टाइप कर लेते हैं, उसके बाद फिर उड़ाते हैं। आसमान पे है दो पतंग उड़ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, एक वहाँ पर आपको दिख रहा होगा अगर, तो देख सकते हो ग्रीन कलर का है। ठीक है, और एक है गाइस इस साइड। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, शायद से फोकस अच्छा नहीं हो पा रहा, लेकिन उड़ रहा है एक पतंग। ठीक है, वो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो दो पतंग आसमान में उड़ रहा है और हम लोग को देख के काफ़ी ज़्यादा आ रहा है लालच कि हम लोग से क्यों नहीं उड़ रहा है इस तरह से पतंग। ठीक है, तो टाई अप का अभी थोड़ा इशू हो गया है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके फिर उड़ाते हैं। अभी अपना टाई अप कंप्लीट हो गया, फिर से उड़ाने जा रहे हैं, तो गोरिल्ला पॉड में मैं फ़ोन लगा देता हूं और फिर से उड़ाता हूं।
गाइस अभी पोपट ही पोपट हो रहा है, हम लोगों ने काफ़ी बार ट्राई किया बट उड़ा नहीं है, ठीक है। और अभी हम लोग के साथ ज्वाइन किया है शिवराज ने, ठीक है। तो ऐसे भी तीसरा बंदा का कमी हो रहा था तो ये फाइनली आ गया, ठीक है। तो अब कोशिश करते हैं। और हवा अब गाइस चल ही नहीं रहा है, जब हम लोग टाई अप कर रहे थे तो इतना मस्त हवा चल रहा था कि मत्थी पूछो, मतलब मस्त पतंग उड़ जाता है उस हवा में। बट अभी तो गाइस हवा ही नहीं चल रहा है मस्त, ठीक है। तो इंतज़ार कर रहे हैं हवा का, और हम लोग 2-3-4 बार ट्राई किए बट उड़ा नहीं, ठीक है। तो फिर ट्राई करते हैं। तो गाइज बहुत देर से हम लोग ट्राई कर रहे हैं पतंग उड़ाने की बट उड़ नहीं रहा है, बट अभी हम लोग ट्राई करते रहेंगे। अभी जो टाइम है वो आप लोग देख सकते हो, 5:20 हुए हैं, ठीक है। और अभी 20 मिनट और उड़ाते हैं और देखते हैं कि उड़ जाए। और जब टाई अप कर रहे थे गाइज तो उस टाइम काफ़ी मस्त हवा चल रहा था, बट अभी हवा चल ही नहीं रहा है अच्छा। तो देखते हैं जैसे ही हवा चलेगा फिर हम लोग ट्राई करेंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं फिर। तो गाइज थोड़ा कोशिश करने पे उड़ा पतंग, ठीक है, मतलब थोड़ा आसमान में गया था और कुछ देर तक उड़ा, फिर लेकिन नीचे गिर गया, ठीक है। तो इसी तरह से कोशिश करते रहेंगे तो हम लोग से एक ना एक दिन उड़ ही जाएगा। तो फिर से कोशिश करते हैं। तो गाइस काफ़ी कोशिशों के बाद हम लोग ने थोड़ा हद तक अच्छा उड़ाया है, बट उतना भी अच्छा नहीं उड़ा है जैसे बाकी सबका उड़ता है कि मस्त एकदम हवा में है। अभी कोशिश करते हैं। अब जो टाइम है वो हो चुका है, आप लोग देख सकते हो 5:29। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर लिया है, अब ये दोनों ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ओ भाई क्या मस्त नहीं पतंग उड़ा है, जैसे मैं उड़ा रहा था उसी तरीका से उड़ रहा है हमारे छत पर, ठीक है। और हवा देख सकते हो उतना कोई ख़ास नहीं है, बस कोशिश में ये दोनों लग रखे हैं। पतंग को एरोप्लेन बता रहा है ये लड़का, पतंग एरोप्लेन होता है, काफी नॉटी इंसान हो, पतंग को एरोप्लेन बता रहा है ये। भी काफी कुछ हद तक अच्छा उड़ा ले रहा है, ठीक है, ये भी मस्त उड़ा लेता है। तो उतना तो मस्त नहीं उड़ रहा है जितना बाकी सबका उड़ता है, ठीक है। देख सकते हो पतंग फंसा दिया इन लोगों ने, तो देखते हैं आज ये पतंग टिक पाता है कि नहीं, मतलब फटफट ना जाए, पहाड़ क्यों देंगे। और देख सकते हैं ये लोग अभी ट्राई पे ट्राई किए जा रहे हैं। पहले कहाँ बढ़िया उड़ रहा था, अभी तक तो इसी तरह से उड़ रहा है। गाइस फाइनली टाइम आप लोग देख सकते हो 5:36, और अब पतंग हम लोग नहीं उड़ा रहे हैं बिकॉज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और अब हम लोग से उड़ने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो अब फाइनली हम लोग पतंग नहीं उड़ाएंगे, और हो सकता है कि फिर एक और आपको ब्लॉग देखने को मिले जिसमें पतंग उड़ता हुआ हो सकता है आपको दिखे, ठीक है। क्योंकि एक और मेरा दोस्त है वो पतंग उड़ाता है काफ़ी मस्त, तो उसको मैं बोलूँगा कि यही वाला पतंग वो उड़ा दे, तो अगर वो उड़ा देगा तो आपको उसका भी ब्लॉग देखने को मिलेगा। अगर वो उड़ा दिया अच्छा, काफ़ी अच्छी बात है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पे नया दिया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया गाइस तो आईडी स्क्रीन पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।